गाइस फाइनली वेलकम टू द चैनल। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग होगा एंड हम लोग जा रहे हैं टू अ प्लेस जहां पर सब लोग प्लान बनाते हैं और सबका कैंसिल होता है, बट इस बार फाइनली आफ्टर कैंसलिंग फॉर 10-12 बार हमारा प्लान बन गया है एंड हम जा रहे हैं गोवा फ्रॉम मुंबई बाय रोड। तो अब ये आप व्लॉग देखना और आप बताना कैसा लगा, और अगर आप नए हैं ऑब्वियसली चैनल ही नया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों शेयर करना कि हमारी जर्नी कैसी थी, सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि रोड्स कैसी हैं, खाना कहाँ कहाँ खा सकते हैं, गोवा में क्या क्या है करने को। हम बहुत स्पेशल जगहों पे जा रहे हैं गोवा में, तो सारे ब्लॉग्स देखना एंड एंजॉय करना। सो गाइस गूगल मैप्स दिखा रहा है अभी रास्ता हमारा 564 किलोमीटर्स का एंड 4:50 पे शाम को अराइवल है। 10 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, हम लोग पुणे से होते हुए जाएंगे एंड हम लोग मुंबई गोवा बैंगलोर एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। और मैंने बस अपना ट्रिप मीटर में अपना रीसेट कर रहा हूँ, वो रीसेट हो गया है, और अपना ये भी देखते हैं, फिर देखते हैं एवरेज कितनी आती है। तो चले गए निष्का गोवा फिर फाइनली। यस लेट्स गो टू गोवा। सो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं टू आर फर्स्ट स्टॉप आफ्टर अराउंड कितना चला लिया गाड़ी 174.7 किलोमीटर। सो 175 किलोमीटर के बाद हम लोग अपना फर्स्ट स्टॉप ले रहे हैं एंड गाड़ी की एवरेज अभी 14.3 kmpl की आ रही है, विच इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग कि ये जीप कंपस जो है ये पेट्रोल वर्जन है। एंड हम लोग पुणे से थोड़ा सा आगे आ गए तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, प्लस आई वॉन्ट टू पी, तो मैंने कहा एक रेस्ट स्टॉप ले लेते हैं, यहाँ कैफे कॉफी डे भी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट मील ऑफ द डे वाओ। तो मैंने ऑर्डर करा है एक, देखो कनिष्का जा रही है, यहाँ पर बाइकर्स भी अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। पुणे टू बैंगलोर, वाओ यार। कनिष्का हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या होने वाला है? सो बाइकर्स चले गए बैंगलोर, निम्मा बैंगलोर, और हम लोग पहुंच गए अपनी गाड़ी की तरफ। नाउ ब्रेक ले लिया पुणे से आया तो। हाँ मतलब उन लोगों ने हाँ बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रेक ले ली। पॉसिबल पॉसिबल। सो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। अब हम जाएंगे सीधा, कनिष्का हम कहाँ जाएंगे? सीधा बैंक, अब सीधा गोवा है मतलब। यस है ना। सो नाउ बैक टू द रूट एंड डायरेक्टली टू गोवा दिस टाइम। हम फाइनली गोवा के काफी पास आ गए हैं। इन फैक्ट इट्स लेस देन 200 किलोमीटर नाउ इट्स जस्ट 161 किलोमीटर। हम लोग कोल्हापुर के आ गए और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टॉपओवर है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं थोड़ा बहुत हल्का होने, थोड़ा स्ट्रेच आउट करने, ताकि हम उसके बाद आराम से 161 एक बारी में कवर कर लें किलोमीटर्स। अभी तक की जर्नी स्मूथ थी एंड गाड़ी की एवरेज इज़ गुड अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर एंड मोस्टली गाड़ी 80 से 100 के बीच में ही चली है, बीच बीच में मैंने थोड़ी बहुत खींची थी बढ़िया,
एंड उसमें बहुत मजा आया, बट काफी स्मूथ जर्नी है फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा, देर इज नो हैसल। यहाँ पर इस टाइम बोल रहे थे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा हाईवे का, बट नॉट ऑन द बॉम्बे बैंगलोर, नहीं बॉम्बे पुणे बैंगलोर एक्सप्रेस वे, उस पर कुछ नहीं है। सो इफ यू आर गोइंग नियर अबाउट दिस टाइम विच इज इन मार्च का एंड ऑफ 2023, देन यू कैन डेफिनेटली टेक दिस रूट। एंड अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलूंगा, होपफुली व्हेन आई एम इन गोवा। आते ही ना बहुत ज़्यादा यादें ताज़ा हो गई हैं, बिकॉज मैं हर साल ऑलमोस्ट यहाँ आया हूँ, एंड वापस से आकर आई थिंक इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। पहले होटल जाऊँगा, चेक इन करूँगा, उसके बाद थोड़ा तैयार होकर फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या करना है। फाइनली इनटू माय रूम, और ये है मेरा रूम, आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया रूम है यार। अच्छा, मेरा होटल का नाम है एकेशिया, ये मॉर्जिम में है, एंड बहुत ही ठीक ठाक सा रूम है ये फॉर गोवा स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर इतने पैसों में इतना अच्छा रूम नहीं मिलता। अब आप सोचोगे कितने पैसों का रूम है ये, तो वो रेट जो है वो डिफर करते हैं, उसके लिए आप उनकी वेबसाइट पे देख लिया करिए। बट अगर आप देखेंगे तो अराउंड 4000 का तो पड़ ही जाएगा, अराउंड आई थिंक विद टैक्सेस एंड एवरीथिंग 3-4 हज़ार का पड़ जाएगा। After a long day, हम लोग कुछ खाना खाने आए हैं फाइनली। बाइक से आए तो बाल थोड़ा खराब हो गए, आई मीन स्कूटी से। हम आए हैं यहाँ द टिबेटन कैफे, ये जगह मॉर्जिम में है, एंड टिबेट टाइप ही बनाया है। लेट्स सी कैसा है। यहीं आके बैठ गए, ऊपर भी है, चलो ये ठीक है। क्या खा रही है? बहुत जल्दी ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने। क्या खाया का निष्ठा, तूने क्या मंगवाया? इन गोवा यानी बीता। That's how we are. सबसे unusual खाना खाते हैं पूरी दुनिया का। This place looks good. Just because ये place में
Tibetan architect है थोड़ा बहुत, वो भी लाइक इन अ सच अ क्लीशे वे, इन सच अ क्लीशे वे कि मैं क्या बताऊँ. तो मैडम ने मोमोज ऑर्डर कर दिया. चलो ठीक है, लेट्स सी व्हाट इट इज. मैं तो फ्राइज राइस करा है. आई टेल यू अबाउट द फूड एंड देन इट्स गुड बाय फॉर दिस वन. इससे ज्यादा एवरेज खाना लाइफ में खाया. इन अ वर्ड एवरेज. एवरेज का मतलब क्या है? डोंट कम है. स्क्रैच दैट. इट्स नॉट एवरेज. इट्स अबव एवरेज. इट गोज अप ऑन यू. Anishka, why don't you have a bite? Why not? Please don't judge that. Just because I came here, you know. He meant. He wants to. He wants to come. Anyway. Later. Yeah, please, yaar. I want to record Excuse your me. Reaction when you eat that. Plate. No, not this one. Plate count. कौन सी प्लेट दे रहे थे कनिष्का? कैसा लग रहा है? देखो देसी वे में उसने उठा ही लिया एक. ये छूट कह रही है ऐसा नहीं है मोमो दे. मैं टेस्ट करके बताता हूँ. रुको देखो कैसा रिएक्शन आया. सो गाइस फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग डे आज का दिन ख़त्म होता है. अभी रात के 10 बज रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कितनी जल्दी कोई कौन कैसे सो सकता है गोवा में. सो द प्लान इज कल सुबह कल सुबह जल्दी उठना है एंड कल सुबह बीच जाके सनराइज़ देखना है. सो आई थॉट आज जल्दी सोऊंगा सो दैट बाय टुमारो मॉर्निंग आई एम रेडी एंड आई कैन एंजॉय गोवा द वे इट हैज़ टू बी. इट्स नॉट ऑल अबाउट पार्टी. पार्टी मैंने बहुत करी है गोवा में. मेरे को गोवा की ब्यूटी इंजॉय करनी है एंड आई एम गोना शो यू दैट टू. ओके बाय.